नमस्कार दोस्तों, पाठशाला चल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग एक्सरसाइज 3.2 जो क्लास 12th का था छोटा हुआ उसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। आज हम लोग 7 नंबर से सॉल्व करेंगे। इसके पहले हमने जो वीडियो बनाया था वो हमने 1 से लेकर के 6 तक बनाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लीजिए, वहाँ पर बहुत सारा वीडियोज़ आपको मिल जाएगा। और जो पहला लिंक होगा वो लिखा हुआ होगा कि एक्सरसाइज 3.2 पार्ट 1 नाम से। ओके, चलिए 7 नंबर में क्वेश्चन कहता है कि फाइंड एक्स एंड वाई, यानी कि एक्स और वाई का वैल्यू निकालना। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसमें हल्का दिमाग लगाना पड़ता है। देखिए 7 नंबर लगाया जाए हेडिंग। पेन क्यों चल रहा है फिर आज? पेन, ओ पेन चल जा, चल गया। 7 नंबर क्वेश्चन, फाइंड एक्स एंड वाई। ओके ठीक है, इसका जो एक्स प्लस वाई है ना, यहाँ पहला डिपार्टमेंट है इसका, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू दिया हुआ है 7025। हाँ जी ठीक है, और एक्स माइनस वाई दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 3003। ओके ठीक है, तो ये वैल्यू दिया हुआ है और इसी के मदद से हमको एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है। कैसे निकलेगा, कैसे निकलेगा, ओह बड़ा ही ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो देखिए ये क्वेश्चन को आप अपने दिमाग में फ़ोटो खींच लीजिए, ठीक है, कि किस तरह से ये क्वेश्चन बनेगा। इधर भी एक्स वाई है, इधर भी एक्स और वाई है, ये एक ही क्वेश्चन में है शामिल। ओके, तो क्या करना है आपको, सबसे पहले कि ये दोनों, इसको पहला इक्वेशन मान लीजिए, ठीक है, पहला इक्वेशन और इसको दूसरा इक्वेशन मान लीजिए। तो क्या करते हैं, ट्रिक ये है कि दोनों को हम आपस में जोड़ देंगे। क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि जोड़ ही क्यों रहे हैं, डिवाइड क्यों नहीं कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं, या और क्यों नहीं कर रहे हैं कुछ भी। तो देखिए जोड़ रहे हैं इसलिए हैं क्योंकि अगर ये दोनों में, दोनों इक्वेशन यानी कि एक्स और एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई में आपस में जोड़ेंगे तो क्या होगा कि वाई और वाई जो है वो ख़त्म हो जाएगा आपस में, ठीक है, जैसे ही जोड़ेंगे ना वाई और वाई ख़त्म हो जाएगा, तो सिर्फ आपके पास 2x आ जाएगा जोड़ने के बाद, क्योंकि यहाँ पर प्लस एक्स है और इसके पास भी प्लस एक्स है, तो जोड़िएगा तो 2x आ जाएगा। तो हम बड़े ही आसानी से x का वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है ना। और जब x का वैल्यू निकल जाएगा तो कोई भी एक इक्वेशन में आप पुट कर दीजिए x का वैल्यू, तो ऑटोमेटिक y का वैल्यू भी निकल जाएगा, है ना, नहीं ऐसा में। चलिए देखते हैं, तो सबसे पहले ऐसा करते हैं कि एडिंग करते हैं, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। तो चलिए जैसे लिखा हुआ है वैसे ही लिखिए इसको, x प्लस वाई इज इक्वल टू, है ना। तो देखिए इज इक्वल टू का जो पार्टी है ना, यानी कि इज इक्वल टू का पार्टी, इसके बाद का जो मैट्रिसेस दिया हुआ है उसको आराम से लिख दीजिएगा 7025। और इसके ऐसा ही तो यहाँ पर भी तो है, देखिए तो x प्लस वाई और x माइनस वाई, और इसके बीच में क्या रहा है, प्लस, क्योंकि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एडिंग कर रहे हैं आपस में, ठीक है ना। तो जब भी आप इसके बीच में ऐड करिएगा या सब्ट्रैक्ट करिएगा, ब्रैकेट जरूर दीजिएगा, याद रखिएगा ब्रैकेट जरूर दीजिएगा। हम जान रहे हैं कि ब्रैकेट देने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन दे दीजिएगा आप। ओके, एक्स माइनस वाई जो लिखा हुआ लिख दीजिए, यानी कि आप समझे बात को, यानी कि ये एक्स प्लस वाई था और ये एक्स माइनस वाई था, देखिए इसको आपस में क्या किए, जोड़ दिए, एडिंग किए, ठीक है। तो इसको भी जोड़ेंगे, जब ये लोग दोनों को जोड़े तो इसको भी जोड़ेंगे आपस में, तो इधर प्लस बीच में लिख दीजिए और 3003 लिख दीजिए, ठीक है। चलिए अब आपस में जोड़ते हैं, ये प्लस एक्स है, ये प्लस एक्स है, जोड़िएगा 2x हो जाएगा, वाई में से वाई को घटाइएगा हो जाएगा 0, ठीक है, हो जाएगा ना 0, कट जाएगा वाई, काट दीजिए। और 7 प्लस 3, हमने बताया था ऐड कैसे किया जाता है, 0 प्लस 0
2+0 5+3 बड़ा ही आसानी से आराम से जोड़ देंगे, ठीक है। बस ट्रिक याद रखिए कि इसको जैसे ही जोड़ेंगे तो ये एक y जो है वो ख़त्म हो जाएगा। अब आप बोलिएगा कि एडिंग क्यों किए, सिर्फ सब्ट्रैक्ट भी तो कर सकते हैं। तो सब्ट्रैक्ट अगर आप करिएगा ना, मान लीजिए सब्ट्रैक्ट करते हैं तो x और x ख़त्म हो जाता और y जुड़ जाता, यानी कि y निकल जाता। आप सब्ट्रैक्ट भी कर सकते दोस्तों, आप सब्ट्रैक्ट करके भी देखिएगा, अपने हिसाब से बनाइएगा, ठीक है। जैसे हमने यहाँ एडिंग किया तो आप सब्ट्रैक्ट भी करिएगा तो भी आंसर आ जाएगा। तो 7+3 10, 0 2 8। अब हम बड़ा ही आसानी से x का वैल्यू निकाल सकते हैं। अब 2 उधर जाएगा तो नीचे डिवाइड हो जाएगा ना, यानी कि ऊपर था तो नदिया के पार उस तरफ गया तो नीचे चला गया, ठीक है। और जैसे ये लिखा हुआ है वैसे ही लिख दीजिए। अब 1/2 को अंदर भेजिए, तो अंदर जैसे ही भेजिएगा वो जा करके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 10/2 हो जाएगा। 0/2 लिखना नहीं है लेकिन आपको, 2/2, 8/2 और काट दीजिए, 2 5 जा, 2 1 जा, 2 4 जा, ठीक है। 5 0 6 ना, क्योंकि 6 2 जा 12 होता है। तो हम यहाँ पर x का वैल्यू निकाल लिए, ठीक है। तो x का जब वैल्यू निकल गया तो आप क्या करिए कि इस x का वैल्यू को पुट कर दीजिए कोई भी एक इक्वेशन में, चाहे आप x प्लस वाई में पुट करिए, चाहे आप x माइनस वाई में पुट कर दीजिए। हम यहाँ पर x प्लस वाई में पुट कर रहे हैं, आप अगर चाहें तो x माइनस वाई में पुट करके देख लीजिएगा, अपने से आंसर वही आएगा, ठीक है ना। तो कंसिडर्ड, यानी कि कंसिडर्ड मतलब कि हम उस इक्वेशन को खींच रहे हैं, किधर खींच रहे हैं, इधर खींच रहे हैं, यानी कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 7025 को खींच रहे हैं। x प्लस वाई इज इक्वल टू 7025, इस इक्वेशन में हम बैठाएंगे x का वैल्यू। तो x का वैल्यू हमें पता है, अभी तुरंत निकाले, 5064 प्लस वाई 7025, और इधर ब्रैकेट में लिख दीजिएगा कि हम यहाँ पर x का वैल्यू लाए हैं कहाँ से, यहाँ से, क्योंकि हम x का वैल्यू अभी तुरंत निकाले थे। x का वैल्यू था कितना, 5064। अब क्या करना है आपको, y ना निकालना है, y निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, y को अकेला करना पड़ेगा। तो y को अकेला करिए, तो इज इक्वल टू के बाद जो भी लिखा हुआ है वैसे ही लिखिए, 7025, और इसको उस तरफ भेजिए, यानी कि ये प्लस में है ना, उस तरफ भेजिएगा तो ये हो जाएगा माइनस में, ठीक है। बड़ा ही सिंपल है। अब घटा दीजिए, 7-5, 0-0, 2-6, 5-4, ठीक है। y का वैल्यू निकल गया, 2, 0, -4 और 1, ठीक है। चलिए y का वैल्यू हम लोग निकाल लिए। अब x और y का वैल्यू तो निकल ही गया, बड़ा इजी वे में। अब दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन लिख लेते हैं। दूसरा है 2x+3y इज इक्वल टू 2340, ठीक है, एंड 3x+2y इज इक्वल टू 2-2 और -1 5, ओके। यह है क्वेश्चन, इसमें भी उसी तरह से काम करेंगे। अब इस पर ध्यान देना, आपको क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा कि सपोज डैट हमने जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन में ऐड किया था, या सब्ट्रैक्ट भी कर सकते थे, तो अगर उसमें ऐड करते, अगर सपोज डैट ये दोनों में ऐड कर देते हैं तो ऐड करने का फ़ायदा क्या है,
हम तो उसमें ऐड किए थे ताकि एक जो है यानी कि वाई या तो एक्स खत्म हो जाए, तब ना एक निकलेगा आ ना समझ में। तो अगर यहाँ पर आपस में जोड़ते हैं तो कोई नहीं खत्म होगा, कोई मरेगा ही नहीं। जैसे हमको एक्स या वाई को मारना है, कोई भी एक को मारना है, तभी दूसरा निकलेगा, ठीक है। तो क्या करना है कि इसमें तो प्लस तो कोई करने का गुंजाइश ही नहीं है, कुछ नहीं होगा, प्लस करेंगे तो कोई मरेगा ही नहीं, ना ही एक्स मरेगा ना ही वाई मरेगा। तो क्या करना पड़ेगा, माइनस करेंगे क्या? सपोज डैट हमने माइनस कर दिया, ठीक है, माइनस तो करेंगे लेकिन घट जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पर 3y है और यहाँ पर 2y है, तो इसमें से घटाइएगा तो हो जाएगा कितना दोस्तों, एक तो y तो फिर से बच जाएगा। अगर आप 2x में से फिर इसमें घटाइएगा तो इसमें घटाएंगे तो फिर x तो रह ही ना जाएगा। तो क्या करना पड़ेगा कि इसको और इसको उस नंबर, आपको वैसा नंबर खोजना है जो कि एकदम सेम टू सेम आ जाए, नहीं समझे। जैसे हम इसको जो है क्या चीज़ से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्यों? क्योंकि 2 2 जा 4 हो जाएगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा, और इधर देखिए और इसमें हो जाएगा 3 2 जा 6। इसको क्या करेंगे ना कि 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, इसको क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई। क्यों? क्योंकि इसमें 3 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, और अभी हमने आपको बताया था कि इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 3 जा 6 हो जाएगा, तो ये 6y और इधर भी 6y। तो आप ये 6y और 6y को ख़त्म कर सकते हैं, आपस में कर सकते हैं ना। बस इतना याद रखिए, आपको कैसे भी करके क्या करना है कि x या y दोनों में से कोई एक पार्टी को ख़त्म करना है, ठीक है। चलिए तो बात ये है ना कि इसको पहला इक्वेशन मान लीजिए, इसको पहला इक्वेशन और इसको दूसरा इक्वेशन, ठीक है, कोई दिक्कत। और पहला वाला इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन, बहुत इजी है, बहुत इजी मज़ेदार क्वेश्चन है। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई 2 से, यानी कि इस इक्वेशन को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, जैसा कि हमने आपको बताया था, ओके। एंड और इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से बाई 3। चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं, बड़ा इजी है। तो इसको आप जैसे ही मल्टीप्लाई करिएगा हो जाएगा कितना, इसको 2 से मल्टीप्लाई करिए तो 2x+3y, ओके। और इधर का भी पार्टी को तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, इसी बोलेगा कि हम ही हो क्यों कर रहे हैं भाई, इसको भी तो करिए, तो 2 3 4 0, तो 2 से मल्टीप्लाई करिए, 2 2 जा 4x, 3 2 जा 6y, और जैसे ही इसमें 2 में मल्टीप्लाई करेगा सब एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 4 2 जा 8, 2 0 जा 0, ओके। चलिए ये इक्वेशन तो आ गया, इस इक्वेशन का नाम आप दे सकते हैं तीसरा, ओके। अब क्या करिए कि जो इक्वेशन नंबर 2 है इसको मल्टीप्लाई करना है ना, क्या चीज़ से, 3 से, तो 3 से मल्टीप्लाई करिए, 3x+2y इज इक्वल टू, 3 से मल्टीप्लाई करना 2 × -, यानी कि -1 और इधर 5, ओके। तो 3 3 जा 9x, 3 2 जा 6y, और 3 से सब में मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा कितना, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 -3, 5 3 जा 15, ओके। तो इसका इक्वेशन का नाम दे दीजिए चौथा, आगे समझ में। अब देखिए दोस्तों, इस पर ध्यान दीजिए, ठीक है, और इस पर ध्यान दीजिए, हम जो इतना मेहनत कर रहे हैं किस लिए, क्योंकि इस ये वाई को ख़त्म करने के लिए। आप एक्स को भी कर सकते थे, कुछ इसमें ऐसा मल्टीप्लाई करते जो कि सेम नंबर आ जाता है, अगर यहाँ पर 4x है तो यहाँ पर भी 4x आ जाता, कुछ ऐसा कमाल करते, लेकिन यहाँ पर 4x नहीं आता क्योंकि 3 के टेबल में 4 नहीं आता है। आप अपने मन से कर सकते हैं, बहुत सारा ऐसा ऐसा नंबर है, तो बस ये याद रखिए कि एक्स या वाई को दोनों में से कोई एक को ख़त्म करना है, ठीक है। तो अब इसको क्या करेंगे कि घटा देंगे, इसको घटाएंगे ना, जैसे पिछले बार हम लोग जोड़े थे, तो इस बार क्या करना पड़ेगा, हम लोग को घटाना पड़ेगा, घटाएंगे तभी ना 6y और 6y ख़त्म होगा। तो चलिए घटाते हैं, फ्रॉम 5 एंड 6 इक्वेशन, चलिए तो घटाया जाए। तो इसको कैसे, जो भी लिखा हुआ है देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, 4x+6y, ठीक है, बीच में माइनस, बीच में माइनस,
और यहाँ पर 9x प्लस 6y, और दोनों का जो भी इक्वेशन है, इसका इक्वेशन का जो मैट्रिसेस है वो लिख दीजिए यहाँ पर, है ना। यानी कि 4x प्लस 6y का वैल्यू है यहाँ पर 4, 6, 8, 0, ठीक है, और बीच में है माइनस, और 9x प्लस 6y का जो वैल्यू है वो है ये 6 माइनस 6 और माइनस 3 15, ठीक है। तो 4x प्लस 6y ये माइनस से मल्टीप्लाई करिए, माइनस 9x हो जाएगा माइनस 6y हो जाएगा, और 4 माइनस 6, अब तो घटा सकते दोस्तों, 6 माइनस फिर एक और माइनस 6, और 8 माइनस फिर एक और माइनस 8 माइनस एक और माइनस 3, और 0 माइनस 15, हो गया, ठीक है। तो देखिए 6y कट गया, प्लस और माइनस है दोनों सेम है, तो 4x है और यहाँ पर माइनस है, तो देखिए माइनस जीत जाएगा और हो जाएगा 5x, ओके। और इसको घटाइए, तो इसको घटाइएगा तो हो जाएगा माइनस 2, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 12, और ये माइनस माइनस प्लस 8 और 3 कितना होगा, 8 और 3 हो जाएगा 11, और ये माइनस 15, ओके। आ गया समझ में, अब आप x का वैल्यू बड़ा ही आसानी से निकाल सकते हैं। तो x इज इक्वल टू, अब ये जो माइनस 5 है उस तरफ जाएगा तो हो जाएगा माइनस 1/5, 5 जो है वो नीचे चला जाएगा, ओके। और ये माइनस 2, 12, 11, माइनस 15, बड़ा ईजी था। और x का जो वैल्यू है, अब क्या करिए कि इसको इसके अंदर भेजिए, तो जैसे ही इसको अंदर भेजिएगा माइनस माइनस प्लस 2/5 और माइनस 12/5 माइनस 11/5, बड़ा ही ईजी है दोस्तों, माइनस माइनस प्लस तो हो जाएगा कितना 15/5, तो 5 3 15 कट जाएगा। तो x का जो वैल्यू आया हमारे पास वो आया 2/5 माइनस 12/5 माइनस 11/5 और इसमें 3, ओके। तो हमने x का वैल्यू निकाल लिया, तो जब x का वैल्यू हम निकाल लिए हैं तो अब बड़ा ही आसानी से y का भी वैल्यू निकल जाएगा। चलिए y का निकालते हैं। तो ऐसा करिए कि अब ये x का जो वैल्यू है दोस्तों, कोई भी एक इक्वेशन में रखिए, चाहे आप इसमें रखिए चाहे आप इसमें रखिए, पिछले वाले वीडियो मतलब पिछले वाले क्वेश्चन में हमने इसमें रखा था ना ऐसा ही टाइप में, अब हम लोग इसमें रखते हैं तो देखिएगा कि सेम ही आएगा, ठीक है। तो कंसिडर्ड करिए, कंसिडर्ड 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 2 माइनस 2 माइनस 1 और 5, ठीक है। तो अब क्या करना है आपको कि x का वैल्यू पता है, वो आप आराम से लिख दीजिए उसके जगह पर। तो 3 इंटू एक्स है, तो x का वैल्यू है ये, लिख देते हैं 2/5 माइनस 12/5 माइनस 11/5 3 इंटू एक्स और है प्लस 2y, तो y का वैल्यू निकालना हमको, इज इक्वल टू जो भी जैसे लिखा हुआ है लिख दीजिए, ठीक है। अब 3 से इसमें मल्टीप्लाई करिए, तो जैसे ही इसे मल्टीप्लाई करिएगा 3 2 6/5 हो जाएगा, और इस पर मल्टीप्लाई करिएगा तो -36/5 हो जाएगा, इसे मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या हो जाएगा -33/5, 3 3 9। अब देखिए कोई कट रहा है क्या, कोई नहीं कट रहा है, वैसे ही रहने दीजिए, प्लस 2y जैसे लिखा हुआ है लिख दीजिए। अब आपको y निकालना है, तो 2y को अकेला करिए, 2y को हमने अकेला किया इज इक्वल टू जो जैसे लिखा हुआ है लिख दीजिए,
फिर ये जो पूरा पार्टी है इसके आगे है प्लस, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 6/5 माइनस 36/5 माइनस 33/5 9। टू माइनस जैसे लिखा हुआ वैसे ही लिखिए, 2 - 6/5 माइनस 2 माइनस, फिर यहाँ पर देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया और 36/5 माइनस 1, फिर एक और माइनस, फिर देखिए इधर माइनस माइनस प्लस हो गया और हो जाएगा कितना पता है, 5। क्या लिख रहे हैं, सॉरी दोस्तों थोड़ा ध्यान भटक जाता है इसमें, माइनस 1 लिखा ना हमने और इधर माइनस है और इधर भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो गया और 33/5 क्लियर, और फिर 5 - 9। अब सेट हो गया अच्छे से, अब हमारा वाई का वैल्यू निकल जाएगा। अब इसका एलसीएम लीजिए तो 5 हो जाएगा, इधर आराम से आप निकाल सकते हैं ना, तो कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा 10 - 6 और इधर भी 5 एलसीएम हो जाएगा और इधर हो जाएगा -10 और +36 और इसमें भी एलसीएम 5 हो जाएगा और इसका हो जाएगा -5 + 33। ओके अब इसमें से घटाइएगा तो -4 क्लियर। अब इसको बना दीजिए, बड़ा इजी है, जल्दी जल्दी बना देते हैं। 10 - 6 घटाएगा तो 4/5 हो जाएगा, इसमें से घटाएगा तो प्लस जीत जाएगा, हो जाएगा 26/5। ओके इसमें से घटाइएगा तो हो जाएगा 28 और यहाँ -4। अब ये 2 को उधर ट्रांसफ़र करिए क्योंकि आपको सिंगल y का वैल्यू निकालना है, तो 1/2 हो जाएगा ना, उधर जाएगा तो 4/5 26/5 और 28/5 -4। अब क्या है ना कि y का जो वैल्यू है वो आ जाएगा, अब 1/2 को अंदर भेजिए तो जैसे ही अंदर भेजिएगा तो क्या हो जाएगा, 4/5 यानी कि ये डिनोमिनेटर में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, किस तरह से 2 × 5 हो जाएगा ना, 26/2 × 5 हो जाएगा और फिर इसके बाद 28/2 × 5 हो जाएगा, फिर ये जो है -4/2 हो जाएगा, बस बन गया दोस्तों। ऐसा करिए इसको काट दीजिए, 2 × 2 = 4 और 13 बार में, इसमें 14 बार में, इसमें -2 बार में। ओके अब जैसे लिखा हुआ है लिख दीजिए, 2/5 13/5 और इधर 14/5 और यहाँ पर सिर्फ -2 बचा, ठीक है, आगे समझ में, बहुत इजी था ना, चलिए ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, अब इजी क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा वक्त लग गया। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन में फाइंड एक्स, ठीक है, एक्स का सिर्फ हमको वैल्यू निकालना है, वाई दिया हमारे पास और इधर एक इक्वेशन दिया हुआ है, उसके मदद से आप एक्स का वैल्यू निकालिए, बहुत इजी है। 8 नंबर फाइंड एक्स, वाई का जो वैल्यू है वो है 3214 एंड 2x + y = का जो वैल्यू है 10 - 32। ओके ठीक है ना, तो x का वैल्यू निकालना है ना, बहुत इजी है दोस्तों। क्या करिए कि x का वैल्यू आप बड़ा ही आसान से निकाल सकते हैं, कैसे, इस इक्वेशन को कंसिडर करिए और यहाँ पर जो y का वैल्यू है वो आप बैठा दीजिए जो गिवन दिया हुआ है ना, गिवन दिया हुआ, तब तो हमारा वैल्यू आराम से निकल जाएगा, ये तो पहले से भी इजी है। तो कंसिडर्ड, इस इक्वेशन को हमने उठाया 2x + y = अब इसी इक्वेशन के मदद से हम आराम से वैल्यू निकाल देंगे जो हमको चाहिए। हाँ जी, तो 2x, तो x ही तो निकालना है,
वाई का वैल्यू हमारे पास मौजूद है 3, 2, 1, 4। लिख दीजिएगा ब्रैकेट में लिखना चाहते हैं, बोल दीजिएगा कि वाई गिवन दिया हुआ है हमारे पास और इज इक्वल टू 10 - 3, 2। ओके, क्या निकालना है आपको, एक्स का वैल्यू निकालना है, तो इसको अकेला करना पड़ेगा। 2x को अकेला करिए, इज इक्वल टू है, इज इक्वल टू के बाद जो भी रहता है उसी को पहले लिखते हैं, ठीक है। और इस पार्टी को बोलिएगा कि इस पार्टी कहाँ गया भाई, तो इसको इज इक्वल टू के उस पर भेजिए, यानी कि इसी के जैसा हम सकल के पास भेजे, ताकि इसी में ना कुछ होगा, समझ में आ रहा है ना। तो उधर भेजे तो माइनस हो जाएगा क्योंकि आगे प्लस था, तो 3, 2, 1, 4 घटाइए, तो आ जाएगा 1 - 3, 0 - 2, - 3 - 1, 2 - 4। -2 - 2, यहाँ पर -4 - 2, ठीक है। अब ये 2 को कहाँ ले जाना आपको पता ही है, 2 को हम लोग नदिया के पार ले जाएंगे, यानी कि x को हम लोग अकेला करेंगे और 2 उधर जाएगा तो नीचे चला जाएगा, ऊपर था ना तो नीचे चला जाएगा, तो हो गया, बड़ा इजी है। अब 1/2 को अंदर भेजिए, तो सब एलिमेंट में जा करके वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। -2/2, -2/2, -4/2, -2/2, घट कट, ठीक है, बस हो गया, बच्चे की तरह लिख देना है। तो ये 1 बार में गया था तो -1 लिखिए, ये भी 1 बार में गया था, ये -2 बार में गया था, ये -1 बार में गया था, हो गया, x का वैल्यू हमने निकाल लिए, पढ़ा इसी में आगे समझ में। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी, 9 नंबर है जी, फाइंड x एंड y का वैल्यू निकालिए, ठीक है जी, चलिए निकालते हैं। आगे जितना भी क्वेश्चन है ना बड़ा ही इजी है, बस यही 7 पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो। तो 9 नंबर क्वेश्चन है, फाइंड x एंड y, ठीक है। तो यहाँ पर गिवन क्या क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है 1, 3, 0, x, ओके, y 0, 1, 2, 5, 6, 1, 8, ओके जी, ठीक है जी। तो x और y का वैल्यू निकालना, सबसे पहले तो काम यह है कि देख रहे हैं कि बड़ा ही सॉफ्ट लग रहा है देखने से, इसको सबसे पहले अच्छे से लिखते हैं। तो 2 को सब में मल्टीप्लाई करिए, हो जाएगा 2x, क्लियर। अब ये जैसे लिखा हुआ है वैसे लिख दीजिए, ठीक है भाई। अब क्या करना है हम लोग को, मेरा मिशन यही है कि x और y निकालना है, ठीक है, सिर्फ x और y निकालना है। तो क्या करना है हम लोग को, देखिए यहाँ पर 2 + y करेंगे और इज इक्वल टू 5, हम देख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, इस इक्वेशन को ध्यान से देखिए। हम लोग को इसमें स्मार्ट बुद्धि लगाना है, कैसा स्मार्ट बुद्धि लगाना है, जैसे हर एक एलिमेंट को हम लोग जोड़ते हुए नहीं देखेंगे, जो हमारा यूज का है उसी को देखना है। जैसे देख रहे हैं कि हाँ भाई 2 + y = 5 से हमें कुछ ना कुछ मिल जाएगा, कुछ ना कुछ क्या, y का वैल्यू मिल जाएगा। लेकिन अगर हम 6 + 0 = 6 करें तब हमें ना ही x मिलेगा ना ही y मिलेगा, तो हम उसको ध्यान भी नहीं देंगे, ठीक है। और इसमें भी कुछ इसी तरह से है, 0 + 1 = 1, तो इसमें ना ही x है ना ही y है, तो वो कोई वैल्यू नहीं मिलेगा। अब इधर देखिए 2x + 2 = 8, इसमें जैसे x है तो x का वैल्यू एकदम कन्फर्म मिल जाएगा क्योंकि आपके पास एक अकेला उसमें x है, ओके। चलिए लेते हैं 2 + y = 5, और एक तरफ लिखिए, यहाँ पर निकाल ही लेते हैं इसका, ठीक है ना। तो y को अकेला करिए, तो 2 को उधर ट्रांसफ़र करिए तो -2 हो जाएगा, y = 3, सिंपल सा एकदम था। अब आगे बढ़ते हैं इस पर, क्योंकि हमको यहाँ से x का वैल्यू मिल जाएगा, इसीलिए 2x + 2 = 8, ओके।
तो 2x को अकेला करिए, 8 है उधर, इसको ट्रांसफ़र करिए, माइनस 2 हो जाएगा उधर, इसको घटाइए 6 हो जाएगा, x को अकेला करिए तो 2 उधर जाएगा तो नीचे चला जाएगा ना, घटाइए 3 हो गया, तो x का वैल्यू 3 आया, ठीक है। तो इस तरह से देख सकते हैं कि भाई हमने यहाँ पर वैल्यू निकाला तो x का वैल्यू 3 आया और y का वैल्यू भी 3 आया, आया ना, ठीक है। तो y का वैल्यू 3, x का वैल्यू 3 हो गया, बन गया, जय श्री राम। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, दसवां है, सॉल्व द इक्वेशन, ठीक है, फोर एक्स वाई जेड एंड टी इफ, यानी कि कहने का मतलब ये है कि आपको इसको सॉल्व करना है और यहाँ पर वैल्यू जो आएगा वो निकालना है एक्स वाई जेड एंड टी। चलिए निकाल लेते हैं, वैसा ही क्वेश्चन है जैसा अभी हमने बनाया। तो दसवां नंबर क्वेश्चन, जो भी लिखा हुआ लिख लेते हैं पहले, क्वेश्चन एक्स जेड वाई टी प्लस 3 1 माइनस 1 0 2 इज इक्वल टू, हाँ जी 3 3 5 4 6, ओके जी, ठीक। 2 से मल्टीप्लाई करिए, 3 से मल्टीप्लाई करिए, 3 से मल्टीप्लाई करिए, आराम से कर सकते हैं। 2x 2z 2y 2t टूटी टूटी, ठीक है। अब यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करिए, माइनस 3 0 3 2 जा 6, इसे मल्टीप्लाई करिए, 3 3 जा 9 3 5 जा 15 3 4 जा 12 3 6 जा 18, ओके। अब देख रहे हैं कि हर एक में एक्स वाई जेड टी चारों जो हमको निकालना है बड़ा ही आसानी से हम निकाल सकते हैं, बड़ा ही आसानी से, बस क्या करना हम लोग को 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 9 इसी तरह से लिखना है, बताइए किस तरह से लिखना होगा। 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 9 हो गया एक हमारे पास, चलिए तुरंत निकाल ही लेते हैं इसका वैल्यू। 2x को अकेला करिए, 9 हो गया, इसको ट्रांसफ़र करिए, माइनस 3 2x इज इक्वल टू, इसमें से घटाइए तो हो जाएगा 6, x को अकेला करिए तो हो जाएगा, यहाँ पर 6 था ना, 2 उधर जाएगा तो नीचे चला गया, 2 3 जा 6, तो x का वैल्यू हमने निकाल लिया, एक सक्सेसफुल हो गया मिशन। अब आगे बढ़ते हैं 2z, तो 2z प्लस, ठीक है, फिर यहाँ पर माइनस, अब तो आप एक्सपर्ट हो चुके होंगे तो आप डायरेक्ट माइनस लिख दें, 2z माइनस 3 इज इक्वल टू 15, 2z माइनस 3 इज इक्वल टू 15, 2z को अकेला करिए 15, माइनस 3 को उधर ट्रांसफ़र करिए, प्लस हो जाएगा, जोड़िए, जेड को अकेला करिए, 2 9 जाए 18, तो हमने बड़ा ही इजी वे में 9 का भी वैल्यू निकाल लिया, जेड का भी वैल्यू निकाल लिया। अब बारी है वाई का, 2y प्लस 0 इज इक्वल टू 12, 2y प्लस 0 इज इक्वल टू 12, तो 0 का कोई वैल्यू ही नहीं है, इसको लिख सकते हैं ऐसे, तो y को अकेला करिए, ये तो बड़ा ही इजी था जी, तो हो गया कितना, y इज इक्वल टू 6। अब लास्ट है हमारा t का वैल्यू निकालने का, तो यही निकाल दे क्या, यही निकाल देते हैं, पेज बचाओ। तो अब हम लोग यहाँ पर t का वैल्यू निकालने वाले हैं, तो देखिए 2t प्लस 6 इज इक्वल टू 18, 2t प्लस 6 इज इक्वल टू 18, फिर क्या है, 2t को अकेला करिए, 18 प्लस 6 को उधर बेचिए, माइनस 6 घटाइए, क्या हो जाएगा 12, और हो जाएगा जी, कितना इजी है जी, ये तो बड़ा ही इजी है, बड़ा ही इजी है, 2 6 12 हो गया। तो हमने यहाँ पर x का वैल्यू भी निकाल लिया, y का भी वैल्यू निकाल लिया, क्या है y का वैल्यू लिख ही लेते हैं, 6 है, और z का भी वैल्यू हमने निकाल लिया, 9 है,
और डी का भी वैल्यू हमने निकाल लिया 6 है। तो हमने सारे के सारे वैल्यू निकाल लिए हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, आगे का जो क्वेश्चन है वो 11 नंबर बोल रहा है कि इफ़, ठीक है, इस तरह से दिया हुआ है, इसमें भी एक्स वाई का वैल्यू निकालना है। चलिए निकालते हैं इसको, बड़ा इजी क्वेश्चन है। 11th नंबर में क्या है कि दिया हुआ है एक्स, ऐसा करते हैं ना अच्छे से, 2 3 प्लस वाई माइनस 1 1 इज इक्वल टू 10 5। एक्स और वाई का वैल्यू निकालना, सबसे पहले इसमें मल्टीप्लाई करिए, इसमें मल्टीप्लाई करिए, 2x 3x माइनस वाई प्लस वाई इज इक्वल टू 10 और 5, ठीक है। तो हमको यहाँ पर x और y का वैल्यू सिर्फ निकालना है, ठीक है ना। तो 2x प्लस यहाँ पर फिर माइनस इज इक्वल टू 10, इस तरह से लिख सकते हैं, लिखिए 2x, तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, y इज इक्वल टू 10, ओके। तो x लिखना भूल गया। तो आप इस इक्वेशन से क्या देख रहे हैं, क्या निकलेगा, कुछ निकल पाएगा? तो हम देख रहे हैं यहाँ पर ना ही अच्छे तरीके से y निकलेगा, ना ही x निकल पाएगा, नहीं निकलेगा। और भी लिख लेते हैं, तो 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ठीक है। अब इसमें कैसे बनाना, हम लोग को कैसे करें, क्या बुद्धि लगाएं? तो हमारे पास यहाँ पर जो वैल्यू आया है, ना ही उससे हम x का वैल्यू निकाल सकते हैं और ना ही y का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हमको क्या करना पड़ेगा, हम जो है क्या करेंगे कि इसके पहले, याद करिए, इसके पहले हमने 7 नंबर क्वेश्चन बनाया था ना, कुछ इसी तरह का क्वेश्चन उसमें भी था कि नहीं। तो हमने क्या किया था, आपस में उसको कंपेयरिंग किया था। कंपेयरिंग का कहने का मतलब ये है कि आपस में दोनों को भिड़ा दिया था, ठीक है। तो ऐसा करिए कि दोनों इक्वेशन को जोड़ दीजिए। तो आप बोलिए कि जोड़ क्यों रहे हैं भाई, तो जोड़ने से ये फ़ायदा है कि यहाँ पर देखिए माइनस वाई है और यहाँ पर प्लस वाई है, तो इन दोनों इक्वेशन को जोड़ेंगे तो वाई जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो जब वाई ख़त्म हो जाएगा तो आप बड़ा ही आसानी से एक्स का वैल्यू निकाल सकते हैं, और जब एक्स का वैल्यू निकल जाएगा तो उसके मदद से आप कोई भी एक इक्वेशन पर रखिए तो ऑटोमेटिक वाई का वैल्यू निकल जाएगा। ऐसे में तो ऐसा करिए, एडिंग करिए, ठीक है, एडिंग बोथ टू इक्वेशन। तो चलिए एडिंग करते हैं, 2x माइनस वाई प्लस 3x प्लस वाई इज इक्वल टू, अब इन दोनों को भी तो ऐड करेंगे, तो 10 प्लस 5, जब इस पार्टी दोनों को ऐड किए तो इन दोनों को भी ऐड करेंगे, तो 2x, अब ये y और y ख़त्म हो जाएगा क्योंकि ये एक प्लस है और ये एक माइनस है, तो बचा हमारे पास 2x प्लस 3x, और ये जोड़िएगा तो 15 हो जाएगा। तो ये x भी है, ये भी x है, तो जुड़ जाएगा, तो जुड़ जाएगा तो 5x हो जाएगा। तो x का वैल्यू हम बड़ा ही आसानी से निकाल लिए, क्या 3, 5 3 जा 15, तो x का जो वैल्यू है वो आया 3। अब हम क्या करेंगे कि ये 3 का यूज करेंगे, ठीक है, x का वैल्यू हमने निकाल लिया है तो उसका यूज करेंगे, कोई भी एक इक्वेशन में रखिए, कोई भी, चलिए हम इसी में रखते हैं, और y का आराम से वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है ना। लेकिन इसमें y का वैल्यू जो है ना, देखिएगा कि यहाँ पर माइनस आ गया है ना, थोड़ा परेशानी होगा। तो हम ऐसा करते हैं, इस पे रखते हैं, आप इस पे रख के देखिएगा, दोनों का वैल्यू सेम आएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पर कंसिडर किया इस इक्वेशन को, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। थ्री इंटू एक्स, तो 3x का वैल्यू है, सॉरी दोस्तों, 3 इंटू एक्स, तो x का वैल्यू है 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 5। हमने सोचा मैट्रिसेस रखना है, इसीलिए डायरेक्ट x का वैसा ही लग रहे थे, रख रहे थे। तो 3 3 जा 9,
और प्लस वाई इज इक्वल टू 5। चलिए अब यहाँ से हम वाई का वैल्यू निकाल लिए, ये उधर जाएगा तो हो जाएगा -9, अब घटाइए तो हो जाएगा -4। तो हमने एक्स और वाई का वैल्यू निकाल लिया, क्या आया? वाई का वैल्यू -4 आया और एक्स का वैल्यू आया 3। ठीक है, आ गया, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब आगे बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पे। 12 नंबर भी कुछ इसी तरह का क्वेश्चन है और इसमें एक्स वाई जेड और डब्ल्यू का वैल्यू निकालना है। चलिए निकालते हैं उसको। ट्वेल्थ नंबर 3xyzw ओके और इज इक्वल टू x6-1 2w प्लस 4x+y+w 3। ओके तो पता ही है एक्स वाई जेड और डब्ल्यू का वैल्यू निकालना है हम लोग को। ठीक है, चलिए निकालते हैं। सबसे पहले तो हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो हो जाएगा 3x और 3y 3z 3w। ओके और x6-1 2w जैसे जैसे लिखा हुआ है वैसे ही आप लिख दीजिए। और यहाँ पर प्लस है 4x+y+z+w 3। ठीक है, तो हम लोग का टारगेट क्या है? हम लोग का टारगेट है एक्स वाई जेड और डब्ल्यू का वैल्यू निकालना। तो कैसे निकलेगा? 3x इज इक्वल टू एक्स प्लस 4, इस तरह से करना है हम लोग को। ओके 3x इज इक्वल टू एक्स प्लस 4। ओके तो इसके मदद से आप x का वैल्यू बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। ऐसा करिए कि x को इधर बुला लीजिए, तो x को आप जैसे ही इधर बुलाइएगा तो प्लस में था तो वो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो 3x -x इज इक्वल टू 4। ओके तो इसमें से घटाइएगा दोस्तों तो क्या हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 4। तो x का वैल्यू आपके पास आया 4/2। ठीक है, चलिए ये एक तो निकल गया। अब बारी है किसका, देखते हैं किसका बारी है। तो 3y इज इक्वल टू 6 प्लस, फिर इसके बाद ये प्लस, देखिए ध्यान से एक चीज़ देखिएगा, प्लस जो है वो सारे के साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी कि प्लस जो है दोस्तों वो मल्टीप्लाई होगा, यानी कि प्लस एक्स और प्लस वाई होगा। अगर यहाँ पर माइनस रहता, सपोज डैट यहाँ पर माइनस रहता, तो माइनस आगे रखते और ब्रैकेट लगाते और एक्स प्लस वाई रखते, जो कि ये माइनस हो जाता और ये भी माइनस हो जाता। वैसा क्वेश्चन आएगा तो हम जरूर बनाएंगे। ओके तो आप बना करके देखिएगा। चलिए अब क्या है कि एक्स का वैल्यू तो हमने निकाल लिए, अब 3y इज इक्वल टू 6 प्लस, और यहाँ पर इस तरह से लिखिएगा। ओके अगर माइनस रहता, माइनस रहता यहाँ पर, तो आपको माइनस लिखना पड़ता। ठीक है ना, इसी तरह से लिखिएगा, आपका कभी भी गलत नहीं होगा। फिर इसको प्लस एक्स और वाई। ओके तो इसमें देख रहे हैं कि हमारे पास दो वैल्यू है, वाई भी है और एक्स भी है, तो कोई भी एक अकेला वैल्यू नहीं निकल पाएगा। तो जैसा कि अभी हमने थोड़ी देर पहले एक्स का वैल्यू निकाल लिया है, तो अब वहाँ पर हम पुट कर सकते हैं, रख सकते हैं। तो 3y इज इक्वल टू 6 प्लस, अब x के जगह पर आप 2 रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। अब आसानी से, बहुत ही आसानी से आप क्या निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं पता है? y। तो 3y दिया हुआ है, अब y का पार्टी को बुला लीजिए इधर, आ जाओ भाई मेरे पास। तो प्लस वाई उधर जाएगा इज इक्वल टू के पास, तो हो जाएगा -y, और इसको ऐड करिए 8 हो जाएगा। ओके इसमें से घटाइए तो 2y हो जाएगा इज इक्वल टू 8। तो y को अकेला करिए तो 8/2, तो इसमें से जैसे ही घटाइएगा तो आ जाएगा 4। आ गया समझ में? तो y का जो वैल्यू आया है वो 4 आया है। ओके चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब बारी है जेड का, देखते हैं जेड का वैल्यू निकल पाता है। पता ही है किस तरह से चलना है, 3z इज इक्वल टू -1 प्लस,
और पता ही है किस तरह से करना है, जेड प्लस डब्लू। अब क्या करिए कि यहाँ पर 3z इज इक्वल टू माइनस वन और प्लस टू प्लस डब्लू, माइनस वन प्लस जेड प्लस डब्लू। ओके, आगे समझ में यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना है? तो अब यहाँ पर देखना है कि कौन सा वैल्यू निकलेगा हमारे पास, जेड निकलेगा कि डब्लू निकलेगा। अभी सोचिए, अभी हमारे पास ना ही जेड मौजूद है कहीं भी, अभी हमने जेड भी नहीं निकाला है और डब्लू भी नहीं निकाला है, तो कैसे निकालेंगे? तो इसको अभी थोड़ा सा हम लोग पेंडिंग में रखेंगे, क्योंकि हमारे पास इन दोनों में से कोई भी का वैल्यू मौजूद नहीं है। तो कौन सा हेल्प करेगा? तो ये हेल्प करेगा। कैसे देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, 3w इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए 2w है प्लस, और यहाँ पर देखिए 3 है ना, तो देख रहे हैं कि इधर भी w है, इधर भी w है, और w के मदद से आप आराम से w का वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे, इसको अभी थोड़ी देर के लिए पेंडिंग में रख रहे हैं, ओके, और इस इक्वेशन को लिखने जा रहे हैं। बड़ा ही आराम है दोस्तों, एकदम गेम है गेम। 3w इज इक्वल टू 2w लिखिए, 3w इज इक्वल टू 2w और प्लस 3, ओके। तो ऐसा है कि 3w और 2w एकदम भाई भाई जैसा अपना लग रहा है, तो उसको खींच लीजिए, तो नदिया के पार बुलाइए उसको, इज इक्वल टू के उस पार भेजिएगा तो माइनस हो जाएगा, और फिर इसके बाद 3, और इसमें से घटाइएगा तो हो जाएगा w। w इज इक्वल टू 3 हमने निकाल लिया है बहुत ही आसानी से। अब क्या करेंगे कि यही w का यूज करके वहाँ पर आराम से रखेंगे और हमको z मिल जाएगा, ठीक है। तो 3z इज इक्वल टू माइनस वन प्लस, और यहाँ पर z को वैसे ही रखिए, और प्लस का जो w का जो वैल्यू है वो आप रखिए यहाँ पर 3, ओके। तो ऐसा करते हैं ना कि 3z इज इक्वल टू माइनस वन प्लस जेड प्लस 3, अब इसी को चल रहे हैं, ओके, इसी को चल रहे हैं, तो 3z है ना, तो इसके जैसा पार्टी कौन है, यहाँ पर देखिए जेड है ना, तो इसको बुलाइए, आ जाओ मेरे पास। तो 3z वो जैसे ही उधर जाएगा नदिया के पार, तो हो जाएगा माइनस जेड इज इक्वल टू माइनस वन प्लस 3, ओके। तो इसमें से घटाइए, घटाइएगा तो क्या आ जाएगा, 2z, सिंपल तो है, कितना इजी है, और इसमें से घटाइएगा तो हो जाएगा 2, तो जेड का जो वैल्यू है वो आ जाएगा 2/2, यानी कि जेड का वैल्यू क्या आया, 1 आया, कितना इजी था बताइए, तो ऐसा क्वेश्चन होता है, इतना इजी है। तो हमने यहाँ पर सब का वैल्यू निकाल लिया, किसका किसका वैल्यू निकाला, एक्स का भी वैल्यू निकाल लिया, क्या था जी, 2 था जी, तो 2 लिख लीजिए। वाई का क्या था, वाई का था 4, हाँ ठीक है, और जेड का क्या है, जेड इज इक्वल टू 1 अभी हमने निकाला है, और डब्लू का वैल्यू है 3। तो सारे के सारे वैल्यू हमने निकाल लिया है, आप चेक कर लीजिए आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, जल्दी से आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर, चलिए जल्दी से बढ़ा जाए, बड़ा ही इजी एक्सरसाइज है। हाँ, तो यहाँ पर fx दिया हुआ है, सिर्फ fx, ओके। तो fx जो है मैट्रिसेस के फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है ना, तो कह रहा है ना कि सो डैट, यानी कि प्रूफ करिए, सो डैट का मतलब प्रूफ करिए कि fx इनटू fy इज इक्वल टू, फिर f जो है वो बाहर है कॉमन, और ब्रैकेट में है x प्लस y, ओके। तो क्या कह रहा है कि यहाँ पर तो ठीक है भाई, हम बर्दाश्त कर लेते हैं कि भाई यहाँ पर fx लिखा हुआ है, ठीक है ना, क्योंकि इसका गिवन वैल्यू दिया हुआ है बुक में, लेकिन अब यहाँ पर fy कहाँ से आ गया, अब इसका वैल्यू हम कहाँ से लाएंगे? तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, fy कहाँ से आएगा पता है, इसी से आएगा। कैसे आएगा, जहाँ जहाँ x लिखा हुआ है वहाँ पर y लिख दीजिए, हो गया fy, कितना ईजी है बताइए। तो 13 नंबर क्वेश्चन, fx इज इक्वल टू cos x माइनस sin x 0 और sin x cos x 0 1 0 0 1, ठीक है। तो fx का वैल्यू हमारे पास है, तो हम बहुत ही आसानी से, जैसा कि हमने आपको बताया कि हमारे पास अगर आप fx है तो हम fy बना सकते हैं, ठीक है। fy क्या आएगा जी, तो बस जो जो x, जहाँ जहाँ आप x देख रहे हैं उस जगह पर आप y लिख दीजिएगा, तो वो y बन जाएगा, ओके, fy बन जाएगा।
तो कॉस वाई माइनस साइन वाई ज़ीरो ज़ीरो वन ज़ीरो ज़ीरो वन, और यहाँ पर साइन वाई कॉस वाई, ठीक है आगे समझ में। तो क्या करना है इसमें, ऐसा करते हैं ना दोस्तों कि देखिए हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है ये और राइट हैंड साइड है ये, तो लेफ्ट हैंड साइड में थोड़ा मेहनत ज़्यादा लगेगा और ये राइट हैंड साइड वाला हम उसका बड़ा ही आसानी से निकाल सकते हैं आंसर। तो ऐसा करते हैं ताकि राइट हैंड साइड वाला पहले निकालते हैं, क्यों, क्योंकि क्योंकि ये तुरंत बन जाएगा और सटीक बनेगा, ठीक है आराम से बन जाएगा और एकदम कन्फर्म है कि जो इतना आएगा जितना इसमें आएगा उतना इसमें भी आएगा, क्योंकि प्रूफ तो करना है ही, ठीक है ना। तो क्यों ना हम सबसे पहले इसी को निकालें ताकि हम जब उसको सॉल्व करें तो हम आंसर चेक कर सकें आराम से कि हाँ बराबर आया है या नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए f यहाँ पर बोला जा रहा है कि f जो है ना वो ब्रैकेट में है, ठीक है ब्रैकेट से बाहर है और ब्रैकेट के अंदर जो है वो x प्लस वाई है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो cos है आपका, जो cos है वो इस तरह से ब्रैकेट में रहेगा, यानी कि cos के बाद जो रहेगा, ठीक है cos के बाद जो रहेगा वो ब्रैकेट के अंदर रहेगा, यानी कि जो f है वो क्या है एक तरह से cos है sin है जीरो है माइनस साइन है cos है जीरो है, ठीक है f है सिर्फ f है, और ये x और y क्या है, यानी कि ये चीज़ है y y y या x x x ये सब चीज़ है। तो आराम से cos लिखना है और इसके फॉर्म में आराम से लिख दीजिए, यानी कि x प्लस वाई, और फिर इसके बाद आगे बढ़िए। यहाँ पर देखिए माइनस साइन है, माइनस साइन देख रहे हैं ना, और इसमें भी माइनस साइन है, आ रहा है समझ में। तो क्या करना है हम लोगों को, तो माइनस साइन एकदम आराम से लिखेंगे, ठीक है माइनस साइन आराम से लिखेंगे। अब आप नॉर्मल वे में जोड़ते तब तो वो माइनस माइनस प्लस हो जाता ना, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, आपको यहाँ पर सिर्फ माइनस साइन और यहाँ से माइनस साइन उठाना है, यानी कि एक तरह का कॉमन है, वो एक तरह का कॉमन है दोस्तों, एकदम ध्यान से समझिए। और फिर ये जो है x प्लस वाई जस्ट टू जस्ट लिख दीजिए, आराम से लिखना है, और यहाँ पर जीरो लिख दीजिए मुझे से, क्योंकि जीरो और जीरो कॉमन, यानी कि f f है ना एक तरह से, इसके पास x और y है ही नहीं तो सिर्फ जीरो ही लिखाएगा। और फिर इसमें है क्या करना कि साइन को बाहर निकालिए और x प्लस वाई लिख दीजिए, आराम से तो लिखना है। फिर कॉस को हमने एक तरह से कॉमन लिया, यानी कि f, ठीक है, और x प्लस वाई यहाँ पर भी जीरो हो गया और यहाँ पर भी जीरो हो जाएगा, यहाँ पर भी जीरो हो जाएगा, यहाँ पर भी वन हो जाएगा, ठीक है यहाँ पर वन होगा दोस्तों। क्यों होगा वन यहाँ पर, क्योंकि देखिए आप तो बोलते कि सर आप गलत बना रहे हैं, वन प्लस वन डायरेक्ट हम जोड़ना है तो डायरेक्ट जोड़िए, वन प्लस वन टू होना चाहिए, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो है बात किया जा रहा है किस तरह का, यहाँ पर बात किया जा रहा है कि f जो है वो बाहर है और ब्रैकेट के अंदर x प्लस वाई है। अगर सपोज डैट सिर्फ एफ एक्स रहता, ओनली एफ एक्स इधर बीच में प्लस फिर एफ वाई रहता, तब हम उसमें ऐसा काम कर सकते थे, तब हम जोड़ते आराम से कि वन प्लस वन टू हो जाता, लेकिन यहाँ पर क्या है कि ब्रैकेट में लिखा हुआ है, ब्रैकेट से बाहर है एफ, ये आपका जो एफ है वो ये है, ठीक है वन ज़ीरो 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 या साइन कॉस, ठीक है, और ये आपका एक्स प्लस वाई कौन है, ये चीज़ आगे समझ में अच्छे से। चलिए आप आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब क्या करना हम लोगों को कि चेक करना है अब उसका कि क्या ये जो एफ एक्स है इंटू एफ वाई क्या वो बराबर आता है। चलिए चेक करते हैं, एफ एक्स इंटू एफ वाई का वैल्यू निकालिए और देखते हैं कि बराबर आया राइट हैंड साइड के बराबर। तो एफ एक्स का जो वैल्यू है वो गिवेन है, बुक में ही है गिवेन, देखिए यहाँ पर है ना, तो लिख लीजिए कॉस एक्स माइनस साइन एक्स जीरो जीरो वन, साइन एक्स कॉस एक्स जीरो जीरो वन, और इधर जो है क्या होगा कि एफ वाई का वैल्यू होगा, तो एफ वाई का वैल्यू यानी कि कॉस साइन सब सेम रहेगा, बस एक्स का वैल्यू चेंज हो जाएगा और वो हो जाएगा क्या वाई, तो कॉस वाई माइनस साइन वाई ज़ीरो ज़ीरो वन, और इधर साइन वाई
कॉस वाई जीरो जीरो, ओके। चलिए अब इसको क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, पता है ना किस तरह से मल्टीप्लिकेशन होता है, रो इनटू कॉलम, यानी कि कॉस एक्स का जो मल्टीप्लाई है वो कॉस वाई के साथ होगा, फिर अगले स्टेप में माइनस साइन एक्स का मल्टीप्लाई ये साइन वाई के साथ होगा, फिर जीरो का मल्टीप्लाई जीरो, यानी कि इस तरह से हम लोग को चलना है। फिर जैसे ही ये ख़त्म होगा फिर अगला जो है इसमें चलेंगे, फिर इसको इसमें चलेंगे, इस तरह से। चलिए बनाते हैं, कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, फिर बीच में होता है प्लस, यहाँ पर माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई। एकदम आराम से लिखना है दोस्तों, बहुत ये इम्पॉर्टेंट लाइन है, ओके। इस पर आपको बहुत मेहनत करना है अच्छे से ताकि गलत ना हो। और क्या है कि प्लस लिखिए और ज़ीरो इंटू ज़ीरो। चलिए एक चीज़ हो गया हमारा, इसको आप जोड़ घटाओ करिएगा तो एक एलिमेंट बनेगा इस तरह का। अब बारी है किसका आगे का, कॉस एक्स इंटू, ये तो हो गया हमारा, ये हुआ इसके साथ, अब बारी है इसका और इसमें, ठीक है। तो कॉस एक्स इंटू माइनस साइन, तो लिखिए तो माइनस आ जाएगा आगे, तो कॉस एक्स इंटू साइन वाई, यानी कि ये जो माइनस साइन वाई था उसका आगे आ गया, ठीक है, माइनस। अब देखिए ये तो हो गया ना, ये हो गया, अब बीच में प्लस दीजिए और माइनस साइन एक्स इंटू माइनस साइन एक्स इंटू कॉस वाई, कोई दिक्कत, बड़ा ईजी है। अब जीरो इंटू क्या आ जाएगा, जीरो इंटू जीरो, ओके। तो जीरो इंटू जीरो क्या होगा, जीरो हो जाएगा, आ गया समझ में, कोई दिक्कत नहीं है ना। इसका हमने कर लिया इसके साथ, इसका हमने कर लिया इसके साथ, और जीरो का हमने कर लिया जीरो के साथ। अब बारी है कॉस एक्स इंटू जीरो, क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा ना, तो किधर लिख दें, इसी में लिख देते हैं, यानी कि यहाँ पर देखिए जीरो हो जाएगा, और इसका देखिए ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा। तो इसका जो पहला दूसरा और तीसरा एलिमेंट लिखा था वो जीरो हो गया, ठीक है, समझ लीजिएगा कि ये तीसरा है, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, अकेला जीरो, ओके। अब आगे बढ़ते हैं, इसका बारी है साइन एक्स इंटू कॉस वाई, साइन एक्स इंटू कॉस वाई, बीच में प्लस, और कॉस एक्स इंटू साइन वाई, कॉस एक्स इंटू साइन वाई, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इजी है। फिर इसके बाद क्या है कि प्लस लिखिए और जीरो इंटू जीरो, ठीक है। अब क्या करना है हम लोगों को, ये तो हो गया इसके साथ, अब बारी है साइन एक्स इंटू माइनस साइन वाई, तो आगे आ जाएगा माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, ओके। अब कॉस एक्स इंटू कॉस वाई हो जाएगा, ठीक है, यानी कि बीच में प्लस आएगा, कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, क्लियर है। अब जीरो इंटू जीरो, तो हो जाएगा जीरो। अब इसी तरह से इसमें भी चलेंगे, तो साइन एक्स इंटू जीरो, तो हो जाएगा वो क्या, जीरो, कॉस एक्स इंटू जीरो हो जाएगा जीरो, जीरो इंटू वन, तो पूरा का पूरा यहाँ पर जीरो हो गया, ठीक है, यानी कि तीसरा जो एलिमेंट है वो जीरो हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए इसका जीरो इंटू कॉस, जीरो हो जाएगा, अरे समझ में, फिर प्लस करिएगा जीरो इंटू साइन वाई, जीरो हो जाएगा, वन इंटू जीरो करिएगा तो पूरा जीरो हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा ना, बड़ा इजी था। अब आगे बढ़िए, जीरो इंटू माइनस साइन वाई, तो हो जाएगा जीरो, जीरो इंटू इसमें भी जीरो, वन इंटू जीरो इसमें भी जीरो, यानी कि जो दूसरा एलिमेंट है वो जीरो हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, जीरो इंटू जीरो जीरो, जीरो इंटू जीरो जीरो, वन इंटू वन, यानी कि हो जाएगा एकमात्र सिंगल वन, कोई दिक्कत नहीं है। अब आराम से इसको लिख दीजिए मजे से, कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, साइन एक्स इंटू साइन वाई, आगे का जीरो लिखने का कोई वैल्यू ही नहीं है, और माइनस कॉस एक्स इंटू साइन वाई, प्लस माइनस माइनस साइन एक्स इंटू कॉस वाई, ठीक है, आगे का जीरो का कोई वैल्यू नहीं, और ये तीसरा एलिमेंट था, हमने आपको बताया था, यानी कि ये तीसरा एलिमेंट जीरो। अब इसमें भी आराम से लिख दीजिए,
साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई। अब ये भी लिख दीजिए, सब तो इसमें किया हुआ अच्छे से, कॉस एक्स इंटू कॉस वाई और आ गया है जीरो 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 वन। अब अच्छा लग रहा है देखने से, कोई दिक्कत नहीं है ना, सब चीज़ आ रहा है समझ में। अब क्या करना है आपको, अब यहाँ पर देखिए कि कॉस और कॉस जो है और साइन दोनों क्या है, कॉमन हम ले सकते हैं, नहीं आ रहा समझ में। और इधर भी जो है कॉस है, इधर भी जो है साइन है, देख रहे हैं ना एक तरह से। तो हम देख रहे हैं कि क्लास इलेवेंथ में हमने एक फार्मूला पढ़ा था, उससे ये मैच कर रहा है, क्या कर रहा है, मैच कर रहा है। वो फार्मूला कौन सा है, तो देखिए ये किसका फार्मूला है, ये है फार्मूला कॉस ए प्लस बी का, यानी कि कॉस ए प्लस बी का फार्मूला है ये, यानी कि कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, वो वाला फार्मूला है। तो ए के जगह पर यहाँ पर एक्स है और बी के जगह पर यहाँ पर वाई है, तो कॉस एक्स प्लस वाई, ओके ये फार्मूला है उसका, कोई दिक्कत दोस्तों, बहुत ही ईजी था ना। अब क्या करना है, इसमें देखिए इसमें माइनस और इसमें माइनस कॉमन अगर हटा ले लेते हैं तो ये किसके जैसा लगेगा देखने से, ये लगेगा देखिए, अगर ये माइनस नहीं रहता और ये माइनस नहीं रहता, सिर्फ प्लस रहता, नहीं ऐसा समझ में। देखिए हम इसका फार्मूला यहाँ पर लिख दे रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, फार्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर सपोज डैट कि कॉस एक्स इंटू साइन वाई प्लस साइन एक्स इंटू कॉस वाई रहता, यानी कि ये माइनस और माइनस नहीं रहता, बीच में खाली प्लस रहता, तो हम कह देते कि साइन ए प्लस बी का ये फार्मूला है, ठीक है। यहाँ पर एक्स लिखिए और यहाँ पर वाई लिखिए, यहाँ एक्स और वाई, ओके, क्योंकि यहाँ पर एक्स और वाई का बात किया जा रहा है, अगर यहाँ पर ए रहता यहाँ पर बी रहता तो हम यहाँ पर ए और बी लिख देते, ओके कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए तो हमने यहाँ पर क्या किया ना कि माइनस इसमें से कॉमन लिया, इसमें से माइनस कॉमन लिया, तो ये कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, पहले ऐसा करते हैं कि माइनस हम कॉमन ले ही लेते हैं, तो कॉस एक्स इंटू साइन वाई प्लस साइन एक्स इंटू कॉस वाई और जीरो, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। और ये जैसा लिखा हुआ है वैसा ही लिख दीजिए, ऐसा करिए ना, इसका इस सब का फार्मूला लिखते हुए चलिए, तो इसका जो फार्मूला है वो साइन एक्स प्लस वाई हो जाएगा और इसका जो फार्मूला है वो हो जाएगा, इसमें देखिए ये वाला पार्टी जो है वो माइनस में है, ये वाला पार्टी जो है वो प्लस में है, तो इसको घुमाइएगा तो ये फार्मूला किसके जैसा लगता है, ये फार्मूला लगता है कॉस एक्स प्लस वाई, यानी कि इसी के जैसा है, सेम आ रहा है ना समझ में, अगर इसको आप घुमा दीजिएगा तो एकदम सेम हो जाएगा इसी के जैसा, ठीक है। और ये जीरो, फिर उसके बाद ये जीरो लिख दीजिए यहाँ पर, यानी कि ये जीरो हमने यहाँ लिखा, ओके कंफ्यूज मत होइएगा। और फिर क्या है कि ये जीरो और ये जीरो और ये वन, आगे ना समझ में। फिर उसके बाद मैट्रिसेस का साइन लगा दीजिएगा, ओके दोस्तों यहाँ से ऐसे बंद कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं ना है, बस अब इसका काम करना है, फिर तो क्वेश्चन बन जाएगा। तो ये हमारा फार्मूला तो आ गया, ये हमारा सॉल्व हो चुका है, तो माइनस लगाइए, और हमने फार्मूला आपको बताया था कि साइन एक्स प्लस वाई का हो जाता है, तो माइनस लगाया हमने पहले से रिजर्व था, और साइन एक्स प्लस वाई फिर आगे है जीरो, ठीक है। फिर ये तो पूरा बन चुका है, एक्स प्लस वाई कॉस, ये कॉस है, एक्स प्लस वाई जीरो और यहाँ पर जीरो जीरो वन, मैट्रिसेस का क्लोज कर दीजिए, ठीक है। अब देखना ये है कि क्या ये बराबर है उसके, तो यहाँ पर देखिए कि जो कॉस एक्स प्लस वाई है, कॉस एक्स प्लस वाई आ गया है, माइनस साइन एक्स प्लस वाई भी आ गया है, जीरो जीरो वन भी आ गया है, जीरो जीरो वन भी आ गया है, साइन एक्स प्लस वाई यानी कि साइन एक्स प्लस वाई, कॉस एक्स प्लस वाई यानी कि लगभग सब मैच कर गया दोस्तों, जीरो जीरो वन, जीरो जीरो वन, तो ये क्या हो गया, प्रूव हो गया, ओके प्रूव हो गया।
कि प्रूफ लिख दीजिए डायरेक्ट। चलिए अब आगे बढ़ते जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या कि इसमें प्रूफ करना है, ठीक है। प्रूफ करिए कि ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करिए और ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करिए और बताइए कि क्या ये दोनों बराबर है कि नहीं बराबर है। तो आपको यहाँ पर जानबूझ करके क्या दिखलाना है कि ये दोनों बराबर नहीं है। यहाँ पर देखिए तो इज इक्वल टू को काट दिया गया है ना, तो यही प्रूफ करना है। तो 14 नंबर में पहला क्वेश्चन है, जल्दी से बनाते हैं, बड़ा ही ईजी है। 5 - 1 = 6 - 7 और इधर हो जाएगा 2 - 1 = 3 - 4 5 - 1 = 6 - 7 तो सबसे पहले ऐसा करते हैं कि इसको कंसिडर करते हैं और सबसे पहले उसको मल्टीप्लाई करते हैं। 5 - 1 = 6 - 7 ये माइनस इसके साथ चिपका देते हैं। 2 - 1 = 3 - 4 ठीक है। चलिए मल्टीप्लीकेशन करिए तो 5 - 2 = 10 डायरेक्ट अप करें प्लस -1 * 3 तो -3 हो जाएगा। और फिर आगे बढ़ते हैं 5 - 1 = 5 और फिर देखिए यहाँ पर माइनस है और जान रहे कि प्लस आने वाला है तो माइनस प्लस माइनस लिख दें और 1 - 4 = 4 ओके करके तो देख सकते हैं आप, इतना तो हो गया होगा आपको। 6 - 2 = 12 फिर बीच में प्लस 7 - 3 = 21 ठीक है। अब 6 - 1 = 6 और बीच में प्लस लिखिए 7 - 4 = 28 ओके। चलिए अब घटा दीजिए, प्लस माइनस माइनस यानी कि 7 हो जाएगा 1 हो जाएगा और इसको ऐड करिएगा तो 33 हो जाएगा और इसको ऐड करिएगा तो हो जाएगा 34 ठीक है। तो हमारा जो वैल्यू आया है वो कितना आया है 7, 1, 33, 34 इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन करने के बाद, ठीक है ना। अब क्या करेंगे कि इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन करेंगे और चेक करेंगे क्या इतना के बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है, हमको नहीं लाना है ठीक है ना। तो 2, 1, 3, 4 लिख लिया हमने यानी कि ये वाला और 5 और क्या है 5 - 1 है, ये -1 है ओके। 5 - 1 = 6 - 7 ठीक है। चलिए मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 5 - 2 = 10 प्लस 1 - 6 2 - यानी कि -2 फिर बीच में प्लस 1 - 7 5 - 3 = 15 ठीक है आ रहा ना सच में, वही 3 - 5 = 15 बोलिए प्लस 4 - 6 = 24 और 3 - यानी कि -3 प्लस 4 - 7 = 28 चलिए जोड़ घटाव करते हैं ये लोग को तो 16 आ जाएगा इधर और इधर आ जाएगा 5 और इधर आ जाएगा 39 ओके। और इसमें से घटाइएगा तो हो जाएगा कितना 25। चलिए चेक करिए 16, 5, 39, 25 क्या ये और ये बराबर है, बिल्कुल भी बराबर नहीं है। तो हमने देख लिया कि ये दोनों बराबर बिल्कुल भी नहीं है, प्रूव्ड हो गया हमारे पास। जो भी क्वेश्चन लिखा हुआ था, क्वेश्चन ये था ना, वही क्वेश्चन को उतार दीजिए जस्ट टू जस्ट और नीचे बस एक लिख दीजिए प्रूफ ठीक है। ये प्रूव नहीं हो पाया क्योंकि ये दोनों बराबर नहीं है, हमने दिखला दिया है। चलिए हो गया प्रूव्ड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से उसको भी कर लेते हैं। क्वेश्चन 1, 2, 3, 0, 1, 0, 1, 1, 0 ठीक है। -1, 1, 0, 0, -1, 1, 2, 3, 4 इसको दिखलाना है कि ये बराबर नहीं है, प्रूफ करिए। -1, 1, 0, 0, -1, 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 0, 1, 0, 1, 1, 0 ठीक है। सबसे पहले इसको आराम से आप मल्टीप्लीकेशन करिए ठीक है। 1, 2, 3, 0, 1, 0, 1, 1, 0 ठीक है ठीक है। -1, 1, 0, 0, -1, 1, 2, 3, 4 दिख रहा है जैसे। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करना है
तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए दोस्तों, 1 × -1 करिएगा तो हो जाएगा -1, फिर आगे बढ़िए 2 × 0 तो 0 होने वाला है, और फिर आगे बढ़िएगा 3 × 2 6 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब आगे बढ़िए 1 × 1 1, 2 × -1 यानी कि -2, फिर इसके बाद 3 × 3 हो जाएगा 9। ओके, दिख रहा अच्छे से। दूसरा पेन ले आए, पेन ले आते हैं, ऐसा करते हैं पेन ले आते हैं, ख़त्म हो गया पेन, आ रहा पेन लेके। चलिए आ गया पेन। और कहाँ पर तो थे, कहाँ थे जरा फिर से देखिए, 1 × 1 1, 2 × -2 3 × 3 9। ओके क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं 1 × 0 0, ठीक है, फिर इसके बाद जो है 2 × 1। ओके, और फिर इसके बाद 3 × 4 12। आगे समझ में अच्छे से, फिर इसी तरह से आगे इसी में बढ़ना है। तो 0 × कुछ भी करिएगा 0, 1 × कुछ भी करिएगा 0, फिर आगे आगे जो है वो क्या है कि 0 कुछ भी करिएगा तो 0 ही आने वाला है कन्फर्म। ओके, तो 0 × -1 1 × 0 0 × 0। ओके, अब आगे बढ़िए 0 × 1 0, फिर इसके बाद 1 × यहाँ पर -1, फिर इसके बाद माइनस यहाँ पर देखिए 0 है, इसमें भी 0 हो जाएगा। ओके, अब क्या करना है कि ये तो हो गया ना, अब इस पे चलना है 0 × 0 0, 1 × 1 0 × कुछ भी करिएगा 0 ही होगा। ओके, अब देखिए 1 × -1 -1, 1 × 0 0, बड़ा इजी है दोस्तों। और फिर इसके बाद 0 × 2 0, 1 × 1 1, फिर 1 × -1 -1, और फिर क्या है 0 × कुछ भी करना है 0 ही होगा, 1 × 0 1 × 1, और 0 × कुछ भी करिएगा 0। तो हमारे पास आया है वैल्यू माइनस, यहाँ पर 5 हो जाएगा, और ये प्लस 1 ये 9 10 हो गया, 10 में से 2 घटाइएगा तो 8 हो जाएगा 8, ठीक है 14 हो गया, ये 0 हो गया, और यहाँ पर -1 हो गया, और यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ पर -1, और ये 0 हो जाएगा, और ये 1। आगे समझ में अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट है ये, इसको भी जल्दी से रपटा देते हैं, -1 1 0 0 -1 1, फिर इसके बाद 2 3 4 1 2 3 0 1 0 1 1 0, ठीक है, जो लिखा हुआ है वही लिख दिए यहाँ। अब इसमें मल्टीप्लिकेशन करना हम लोग को, -1 × 1 -1 1 × 0 0 0, -1 × 2 -2 +1 कुछ भी 0 ही होगा, फिर इसके बाद आगे बढ़िए -3, फिर 0 0 0 × 0, फिर यहाँ पर भी 0, फिर आगे 1 × 1। ओके, कोई दिक्कत नहीं है ना, बहुत ही ईजी है दोस्तों। अब क्या करना है 0 × 2 0, फिर इसके बाद -1 × यहाँ पर -1 1 × 1, अब 0 × 3 0 -1 × 0 0 ही होगा, 1 × 0 ही होगा, अब 2 × 1 2, 3 × 0 0 ही होगा, 4 × 1 = 4 2 × 2 2 4, 3 × 1 3, 4 × 1 4, कोई दिक्कत नहीं है ना, बहुत इजी है। अब आगे बढ़िए 2 × 3 6, 3 × 0 आगे का भी पार्टी 0 ही होने वाला है। चलिए अब जोड़ दीजिए, यहाँ पर -1 हो गया, यहाँ पर -1 हो गया, -3 हो गया, 1 इसमें से घट जाएगा 0 0 और 6, और यहाँ पर 11 6, ठीक है, तो ये वैल्यू आया हमारे पास। तो अब देखना ये है कि क्या बराबर हुआ, चलिए देखते हैं बराबर हुआ कि नहीं। कहाँ गया वो पेज,
कहाँ गया वो पेज? पेज 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 हाँ ठीक है। तो यहाँ तक आ गया समझ में, ठीक है। तो अब देखना ये है कि क्या ये वैल्यू बराबर है उसके, चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पर 5, 8, 14 पहले ही देख रहे हैं कि बराबर है ही नहीं, तो चलिए ऐसे ही प्रूफ हो गया। तो प्रूफ लिख दीजिएगा उसी तरह से, इस दोनों को लिख दीजिएगा और बीच में लगा दीजिएगा, बोल दीजिएगा कि प्रूफ्ड हो गया। ओके ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे कि ये 15 नंबर से 18 बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। 15, 16, 17, 19 से लेकर के 22 तक जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियोज़ में पढ़ेंगे, आ जाएगा यूट्यूब पर, आ जाएगा कल आ जाएगा। ओके चलिए, और अभी क्लास 10th का भी आएगा। ओके चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। जय हिंद, वंदे मातरम जी।